हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट जो रिएक्शन थी, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है रिडक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। जो ऑक्सीडेशन है वो मेटल को तो डैमेज करता ही है, साथ ही साथ फूड को भी डैमेज करता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडीड एज कॉरोजन। जब मेटल को वो अफेक्ट करता है ऑक्सीडेशन, तो हम उसे कॉरोजन बोलते हैं। एंड दैट और फूड, अगर फूड पर वो हम उसे स्टडी करते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द इन द फूड इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी उसे बोला जाता है। द टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, फर्स्ट कॉरोजन ऑफ मेटल एंड सेकेंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कॉरोजन। कॉरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। कॉरोजन क्या होता है, जैसे मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है अगर एयर के साथ, तो एयर में हमारी मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड CO2 प्रेजेंट है, तो वो उनके साथ, जैसे कि एयर मॉइस्चर लिखा है केमिकल ऑन देयर सरफेस, तो वो उनके साथ रिएक्ट कर लेती है। मेटल की जो सरफेस है वो एयर में जो मॉइस्चर है वाटर है उनके साथ रिएक्ट करके डैमेज जाती है। तो इसे जैसे हम जंग लगना बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कॉरोजन। कॉरोजन का एक फेमस है, आपने सभी ने देखा होगा कि मेटल को हम हमारी आयरन की जो मेटल होती है अगर वो रखी रह जाए काफ़ी दिन तक तो उसमें रस्ट जम जाती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेटल है हमारी आयरन की मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है आयरन में, जो एनवायरनमेंट में जो हमारा प्रेजेंट है मॉइस्चर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज़ लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, बहुत ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ये रिएक्शन हो जाती है, थोड़ा टाइम लेती है, इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेक सब्सटेंस। कैसा कलर का होता है रस्ट, रेड ब्राउन कलर का, कॉल्ड रस्ट, दिस इज़ कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन क्या होती है, आयरन जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल एक्स लिखा है कितने भी हो सकते हैं, तो 3O2 प्लस XH2O गेस 2Fe2 बनाता क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट का जो हमारी जो रस्ट है वो लेयर जो जमती है वो किस चीज़ की होती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आयरन में ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है, तो आपको क्या बताया था कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ हो रही है। तो कॉरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट, जो कॉरोजन है वो क्या करता है, आयरन को वीक करता है, डैमेज करता है। एंड द स्टील सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, जो हमारी रेलिंग्स होती हैं, कार बॉडीज, कार की बॉडी, ये सारी आयरन मटीरियल्स की बनी होती है, इसलिए डैमेज हो जाती है कॉरोजन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑन फूड, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। जो फैट और ऑयल्स होता है वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इन फूड में, मार्क्ड बाई प्लीजेंट अनप्लीजेंट स्मेल, थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। जैसे हमारे खाने में है कोई ऑयली सी चीज़ें हैं, काफ़ी दिन रखी रह जाती है, तो क्या आ जाती है, उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। टेस्ट इज़ कॉल्ड द रेंसिडिटी, जो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंज आ रहा है उसके टेस्ट में, स्मेल में, तो इट इज़ कॉल्ड द रेंसिडिटी। वो चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसमें जो ऑयल प्रेजेंट है फैट का, उसका किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, उसके साथ। तो ऑक्सीडेशन आल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड। ऑक्सीडेशन डैमेज इफेक्ट करता है किस में, फूड में कंटेनिंग फैट और ऑयल, जिसमें फैट और ऑयल्स होता है उन फूड्स में। व्हेन द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स आर कैप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे फूड मटेरियल जो फैट्स और ऑयल्स में रखे जाते हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे रखा जाता है, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल, रखा जाए तो वो उसमें कैसी स्मेल आ जाती है, स्मेल आ जाती है अजीब सी, और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेट टू हैव द रेंसिड, तो वो कैसे हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, क्योंकि उनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, सोर, खट्टे हो जाते हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड. जो रेंसिडिटी हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, रिटार्डेड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर देते हैं फूड में. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड किससे? एंटी ऑक्सीडेंट फूड में अगर ऐड कर दें, फैट एंड ऑयल्स, ऐसे फूड में जिसमें फैट और ऑयल्स हो, तो उनमें एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, लाइक BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंटीसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टालविन. ये ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट हैं जिनको हम उसमें ऐड कर दें फूड मटेरियल जिसमें फैट और ऑयल्स होते हैं, तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट हो जाती है. नेक्स्ट है रेंसिडिटी. सेकेंड है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस. आपने देखा होगा जैसे आप चिप्स खाते हैं, लेज खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, तो ये पैकेट में बंद होते हैं, तो ये इतने टाइम के लिए कैसे हम रख के खा सकते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि इनकी रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सके. थर्ड है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द कीपिंग फूड ऑन रेफ्रिजरेटर. हम फूड को उसकी स्मेल को दूर रखने के लिए, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए कई बार अपने फूड को किस में रख देते हैं? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में. नेक्स्ट है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. एयर टाइट कंटेनर में हम इनको अगर करके रख दें, टाइट करके, तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड. रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट. लाइट से भी इनको दूर रखा जाए तो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड. अब कुछ क्वेश्चन है जैसे कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए, कौन सा है ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिएक्टेंट देखिए, यहाँ पर MnO2 है, 3MnO2 प्लस 4Al गिव्स Mn2Al2O3. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो. ठीक है, मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपोजिट होता है. जो एलिमेंट या जो मेटल खुद का तो ऑक्सीडेशन करता है बट दूसरे को रिड्यूस करता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा. तो यहाँ पर देखिए, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज में, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज हो रही है, हट रही है. ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन. तो जब इसका MnO2 का Mn में रिडक्शन हो रहा है, इट मींस ये कैसा वर्क कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. तो बचा आपका एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में यहाँ पर देखो Al2O3 ऑक्सीजन का कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअली में वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. तो आपका यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है? एल्यूमिनियम. तो वही लिखा है, एल्यूमिनियम इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट. Al इज़ मोर रिएक्टिव. Al जो है मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको वहाँ से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस द Mn फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. उसके ऑक्साइड से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं. नेक्स्ट है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है. आपको सबको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू सनलाइट C6H12O6, यहाँ पे 6O2. ठीक है, तो इसको बैलेंस करना था. आपको इक्वेशन लिखनी है ये, और इसको बैलेंस करना है. वो आपको पहले वाले टॉपिक में क्लियर हो चुका होगा. वैन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. कि डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो कब कार्बन डाइऑक्साइड टेक अप मतलब लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. तो इन डेजर्ट प्लांट द स्टोमेटा आर ओपन इन नाइट. नाइट में, रात में, वहाँ पर उसके जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं. तो डे टेक नाइट टाइम में वो CO2 क्या करेंगे? गेन करेंगे एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड. एसिड के फॉर्म में से स्टोर कर लेते हैं एंड यूज ड्यूरिंग डे. और डे टाइम में उसका यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. जैसे यहाँ पर बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है. जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो उन्हीं रिएक्शन के टाइप में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी रिएक्शन. जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, फर्स्ट CaO प्लस H2O इक्वल्स टू CaOH का होल्ड है. इसमें देखिए दो कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं. आप देख रहे हैं जिसमें दो कंपाउंड कंबाइंड होकर दो
कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप बताया था मैंने आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइंड हो रहे हैं दो कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है 3BCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब यहाँ पे आप देखिए दो कंपाउंड है और दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखिए चेंजेस क्या हैं, BaCl2 यहाँ पर था बनाया BaSO4 प्रोडक्ट में, और यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस था, यहाँ बनाया 2AlCl3, यानी कि इनके डिस्प्लेसमेंट हुआ है आयंस का। देखिए आयंस का डिस्प्लेसमेंट, बी ए ने SO4 के साथ बना लिया, Al2 ने Cl2 के साथ, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक बार बी ए ने SO4 के साथ बनाया, एक बार Al2 ने Cl2 के साथ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता है कि एक तो सॉल्यूशन स्टेट में रहता है और एक प्रिसिपिटेशन, यानी कि BSO4 जो बेरियम सल्फेट है हमारा प्रिसिपिपिटी की फॉर्म में रहेगा, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। थर्ड इज वन इज FeSO4 फेरस सल्फेट गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। आपको मैंने जब पढ़ाया था टाइप ऑफ रिएक्शन में बताया था कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके सिंपलर टू और मोर सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द थर्ड वन। नेक्स्ट है स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस। फर्स्ट है मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन एयर, पहले आपको इसका रिएक्शन लिखना है, उसके बाद बताना है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम वायर इज Mg इज बर्नड इन एयर, एयर में क्या होता है O2 के साथ, Mg जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा इक्वल्स टू क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO, और इसको बैलेंस कर देंगे आप। बैलेंस करने के बाद आप देखिए दो कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है या रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कंबाइंड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड था इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू वाटर, वाटर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा, तो H2O, वाटर क्या होता है H2O इन लिक्विड फॉर्म इक्वल्स टू इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये ब्रेक हो रहा है किसमें, H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो आपको पता है एक सिंगल कंपाउंड टू और मोर कंपाउंड में जब ब्रेक होता है और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, दो कंपाउंड कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, ये अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl, टू फॉर्म द NH4Cl सॉलिड बनाता है। तो दो कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कई बार आपका ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, कि आपका रिएक्टेंट की साइड में जैसे ये इक्वेशन है, इधर इस साइड रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ जो एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ द कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास उनका कंजर्व होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इनको पहले आपको इक्वेशंस लिखनी है इनकी रिएक्शन, उसके बाद बैलेंस करना है। तो फॉस्फोरस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। फॉस्फोरस बर्न्स फॉस्फोरस इन P4 प्लस क्लोरीन के साथ उसको बर्न करना है, तो Cl2 गिव्स फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, PCl5, पेंटा मीन्स 5 क्लोराइड के बनाएगा, तो PCl5, इसको बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पर 4P हैं तो यहाँ पर भी 4 लगा देंगे, यहाँ पर Cl है तो कितने हो गए 5 4 20, और यहाँ पर Cl2 था तो इसको 20 बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा दिया 10, तो 10 2 20, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज द मीथेन, मीथेन को बर्न करेंगे, यानी कि O2 से रिएक्ट, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट, इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 2 और 2, बैलेंस करना आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बता चुके हैं। थर्ड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है,
C6 ये ग्लूकोज है प्लस 6O2 ऑक्सीजन एंड वाटर, तीनों कंबाइंड होके क्या बनाते हैं CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी रिलीजेस। इनको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करनी आपको आती होगी, ये भी बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन है Na प्लस O2 गिव्स Na2O। तो देखिए आप कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, Na1 है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। तो अब Na सोडियम देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 जा 4 Na, तो यहाँ पर आपको 4 Na लिखना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगी। नेक्स्ट है H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पे O जो है हमारे 2 और 1 3, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 लगा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये वाला ऑक्सीजन 2 और ये वाले 2 इधर 4 हो जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन को भी देखेंगे बैलेंस है या नहीं, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4। नेक्स्ट इक्वेशन MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। ये इक्वेशन आप खुद लिख लीजिए, फिर इसको बैलेंस आप खुद करिएगा। AlOH का होल ट्वाइस गिव्स Al2O3 प्लस H2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, निकले इवॉल्व्ड हो, हीट क्या हो, निकले, इट इज़ कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इट इज़ जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या, CO2 बनाता है और प्लस हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक, इट इज़ अपोजिट, एंडोथर्मिक जो होता है इसका अपोजिट होता है, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करने वाले को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ जिंक स्ट्रिप डिप इज डिप इन टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर जिंक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, राइट इक्वेशन लिखनी है उसकी एंड नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। व्हेन अ जिंक स्ट्रिप इज डिप इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक हैज़ डिसप्लेस्ड, जो जिंक जो है वो कॉपर को डिसप्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। जैसे आप रिएक्शन लिखी हुई है जिंक की, जिंक को हमने किया किस में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, CuSO4 ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, गिव्स जिंक जो है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो ZnSO4 कलरलेस होता है, ये लिखा है कलरलेस, ब्लू से कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। ये कैसी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, Zn जो है Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What happens when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution? Right equation. क्या होता है जब silver nitrate होता है आपका AgNO3 plus sodium chloride के सब जब add करते हैं NaCl, तो ये क्या करता है, Ag जो है Cl के साथ combined होकर AgCl बनाता है, it is a precipitate, white color का precipitate होता है, और NaNO3 के साथ, NaNO3 के साथ। अब देखिए ये कैसी type, कैसी reaction है, Ag ने Cl के साथ एक बार combined हुआ है और NaNO3 के, एक ये displacement हो रहा है, ठीक है, और दो बार होता है AgCl के साथ फिर NaNO3 के साथ combined हो गए, तो it is a type of the double displacement reaction। almost ये आपका chapter complete हो चुका है, next time पे हम next chapter start करेंगे। आपको कोई भी query हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।